क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टाइम हो रहा है यार? टाइम तो जो है वो पूरा हो रहा है, लेकिन एक बात खास यहाँ पर ये है कि यहाँ एक घड़ी लगी हुई है और लोग इसको देखकर जो है वो टाइम देखा करते थे। तो भाई लोग इस घड़ी को देख कर टाइम देखा करते थे, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा इलाका है जहाँ टावर पे घड़ी लगी हुई है? टावर पे घड़ी लगी है तो चलिए जी, आपको ये घड़ी भी एक्सप्लोर कराते हैं और ये इलाका भी एक्सप्लोर कराते हैं, बताते हैं कि हम कहाँ हैं। आपको करना होगा थोड़ा इंतजार और दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या खास है इस घड़ी की तरह। तो चलें फिर। नहीं, लंचू लाइन जिंदाबाद है, वाकई जिंदाबाद है। आधा गिरा जी लंचू लाइन, आधा खरीदारी करने। अच्छा भाई, तो मैं एक ऐसी गली में आया हूँ जहाँ पर फल फ्रूट और गोश्त सब्जियाँ ऐसी कई दुकानें जो है वो एक मार्ट के शक्ल में बनी हुई है, बहुत छोटी 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 छोटी। तो ये ओल्ड सिटी के एरिया के अंदर जो है वो मुझे एक ऐसी गली दिखी है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है वो एक साथ मिल रही है। जी काशिफ, आपके पास क्या है? तो शऊर, आप तो सब्जी मार्केट में हैं, लेकिन सब्जी लेने घर से निकलेंगे कैसे? बाइक में निकलेंगे, और अगर बाइक में निकलें और बाइक ख़राब हो जाए तो फिर आप मैकेनिक ढूंढते रहें। लेकिन लंचू लाइन का फ़ायदा ये है कि इसी मार्केट में पूरी एक बाइक की मार्केट भी है, और जहां मैकेनिकों की भरमार है, सामान की भरमार है। और दिलचस्प बात यह है कि भाई, आम छोटे मैकेनिक जो गली गली के कोने पर बैठे होते हैं, उनके पास सामान स्पेयर पार्ट्स बड़े महंगे होते हैं, यहाँ पार्ट्स की वैरायटी भी है और वो सस्ते भी हैं। अच्छा काशिफ, एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो आम मार्केट के अंदर जो है वो यहाँ पर सस्ती मिल रही हैं। जैसे कि मेरे सामने जो है यहाँ पर एक गोश्त की मार्केट है, तो यहाँ आम मार्केट से जो है वो कितनी सस्ती यहाँ पर मिल रही होती हैं? कोई 20-25, 100 या 50 रुपये डिफरेंस मिलता है? 50 रुपये तक जो है वो और 100 रुपये तक डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ओल्ड सिटी एरिया है। बाकी जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो बहुत और मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो ये एक आलू प्याज की मुझे दिखी है, तो यहाँ पर भी जो है वो अंकल से जब पूछा है मैंने, तो वो बता रहे हैं कि कोई 20-30 रुपये का डिफरेंस है। और इसी तरीके से टमाटर वाले हैं और दीगर और भी जो है वो घरेलू अशियाएँ मिलती हैं। तो होता ये है कि अक्सर जो है यहाँ पर एक बड़ा कल्चर देखा गया है कि ख्वातीन जो है वो शॉपिंग करने आती हैं, और भाव ताव का आपने सुना होगा अक्सर कि बार्गेनिंग करती हैं, तो मज़ीद डिस्काउंट मिल जाता है उनको। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर जो है वो कराची की कदीम इलाका कहा जाता है रणछोड़ लाइन, और ऐसी गली है जहाँ पर जो है वो आपको बस यहाँ से इंटर होंगे तो फल फ्रूट सब्ज़ियाँ गोश्त के बाद आपको जो है वो आगे जाएंगे तो कपड़े भी मिलेंगे, इसके बाद जो है वो जूते भी मिलेंगे, इसके बाद जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, बज़ाहिर तो वैसे सस्ता कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अगर हम करेंसी रेट की तरफ जाएं और उसके हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो महंगाई है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई पिछले कुछ अर्से में किन चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी जो मार्केट्स हैं वहाँ कंपैरिजन करें कीमतों का, तब जाके हमें पता चलता है कि हमें रिलीफ मिला या नहीं मिला। और यही होता है, देखें मैकेनिक नाई इन चीज़ों को लेकर बढ़ना बड़ा चूज़ी होता है, क्योंकि आपने पार्ट चेंज किया, पता चलता है जेन्युइन पार्ट नहीं है। इन इलाकों में जिस तरीके के पार्ट्स मिलते हैं, मैकेनिक हैं उनसे दोस्तियाँ होती हैं, बाइक वालों की दोस्तियाँ होती हैं, तो इनको पता होता है कि अगर ख़राब सामान लगा दिया तो उस्ताद को पकड़ लेंगे, उस्ताद को छोड़ेंगे नहीं। और ज़्यादातर इन इलाकों में अल्टर कराने वाले भी बहुत होते हैं, अल्टर कराने वाले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अल्टर हो जाती है, तो हम अल्टर करते हैं। तो बस जैसे शऊर आपने कहा, तो मैं भी कहता हूँ कि चलो फिर चलते हैं और मजीद इलाके को एक्सप्लोर करते हैं। तो टमाटर तो है बहुत सस्ता, तो लड़काने का सीज़न चल रहा है, इस वजह से टमाटर की तो कोई वैल्यू नहीं है। 30 रुपये किलो कहीं से भी ले लो आप। रहा मिर्ची का, तो मिर्ची 10 किस्म की आती है, कोई 30 रुपये पाव होती है, कोई 20 रुपये पाव होती है, भाई ये मैक्सिमम सही है 30-40 रुपये पाव है। और रहा अदरक महंगी है भी, 600 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो, खीरा 70 रुपये, 60 रुपये, मटर महंगी क्योंकि मटर का सीज़न ऑफ हो गया, इस वजह से महंगी है। हाँ ग्वार माशाल्लाह लिमिट पे 120 रुपये किलो, 80 रुपये किलो गोभी है, क्या नाम है बैगन 60 रुपये किलो, लौकी 60 रुपये किलो, भिंडी 120 रुपये किलो। ये कराची की सबसे सस्ती मार्केट है, लंचू लाइन जो है ना, ये कराची की सबसे सस्ती मार्केट है। वजह ये सबसे जो अहम वजह है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि सस्ता भी महंगा लग रहा है। अच्छा भाई, रणछोड़ लाइन जो है वो डिस्कवर करते करते मैं पहुँचा हूँ एक पुरानी रवायत की तरफ, अब हमें दिखता नहीं है अक्सर घरों में। पहले तो बाकायदा तौर पे पान दान होते थे घरों में, पान खरीदे जाते थे, पान का पत्ता ले आता था, चूना घर ले आते थे, कत्ता ले आते थे, छाली अपनी मर्जी से कटवाते थे, जैसे ऐसे। लेकिन वक्त गुजर रहा, एडवांस हो रहा है, ऐसा लगता है वो रवायत दम तोड़ गई। लेकिन अब भी ओल्ड सिटी एरियाज ऐसे हैं
जहाँ पे बकायदा तौर पे लोग आते हैं पान खरीदते हैं। अंकल पहले तो मुझे बताए कि क्या अभी लोग पान खरीदते हैं आपसे? अभी भी पान खरीदने वाले बहुत हैं। कितना ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर हालात में और अच्छे हालात में शुक्र अदा करते हैं। अच्छा लास्टली मुझे थोड़ा ऊंची आवाज़ में फिर बताइएगा कौन कौन सी किस्म के पान होते हैं? कौन किस्म के पान, कौन से पान होते हैं? एक होता है सबसे पहले तो सिलोन का पान होता है, एक ढाके का पान होता है, एक कराची का पान होता है, एक लखमारा बाजार पर है बैंकॉक का पान होता है, बैंकॉक का मंगला पान। सबसे महंगा पान कौन सा है? सिलोन का पान है सबसे महंगा पान। तो लोग खरीदते हैं अब भी सिलोन का पान? खरीदते हैं, खरीदने वाले बहुत हैं इसके भाई, खरीदने वाले बहुत हैं और आपको दिखाने वाले भी बहुत सारी चीज़ें, तो खाने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं और इस इलाके की आपको दिखाने वाली बहुत सारी चीज़ें। तो अंकल बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, तो चले अब आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ की मार्केटें, यहाँ के खाने, यहाँ के लोग तो बड़े मशहूर हैं, लेकिन एक चीज़ जो इस इलाके को बड़ा यूनिक बनाती है जो कराची के दीगर इलाकों में नहीं है वो ये है कि भाई इंटरफेथ हारमनी के तहत यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, ना सिर्फ रहते हैं बल्कि उनकी बाकायदा इबादत गाहें भी हैं और वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहों में जाके अपना जो दीनी फरीदा वो अदा करते हैं। कौन कौन से मज़ाहिब की इबादत गाहें हैं शोर यहाँ पर? ओल्ड एरिया है तो मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया से पहले जो हिंदुस्तान था तो यहाँ जो है वो सारी कम्युनिटी रहती थी, तो उनके जो है वो मज़ाहिब के घर भी मौजूद थे। जैसे कि हमने अभी थोड़े आपको बात दिखाएंगे, थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि यहाँ पर मंदिर भी है, फिर इसके थोड़ा सा बराबर में मस्जिद भी है और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो चर्च भी है। तो तीनों कम्युनिटी के जो है वो यहाँ पर इबादत गाहें हैं और देखें यही चीज़ इसे यूनिक बनाती है। तो हम ज़्यादा आपसे बातें नहीं करते, आपको पहले दिखाते हैं कि भाई हिंदू मज़हब के लोग यहाँ कितनी आज़ादी से और किस तरीके से रह रहे हैं और यही खूबसूरती पाकिस्तान की है, सबको आज़ादी हासिल है। सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चन भी है, सिख भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और यही चीज़ पाकिस्तान को खूबसूरत बनाती है कि यहाँ हर मज़हब, हर नस्ल, हर कौम, हर शक्ल, हर रंग के लोग जो हैं वो मुकम्मल आज़ादी से और खुशी से। मैं कहता हूँ कि ओल्ड सिटी के जो लोग हैं ना यहाँ पर, ओल्ड सिटी में रहने वाले, उनके अंदर अपनाइयत एक अलग किस्म की होती है। जैसे ओल्ड सिटी से थोड़ा सा करीब आपका जो है ना लियारी भी ओल्ड सिटी के अंदर आता है। तो आप पहले लियारी के लिए तो लियारी के लिए तो हम मशहूर हैं कि भाई हम सबसे ज़्यादा लियारी को दिखाते हैं। तो सिर्फ हम लियारी ही नहीं दिखाते, आज आपको रणछोड़ लाइन भी मस्जिद दिखाते हैं। अच्छा देखें इस इलाके की खूबसूरती यही है कि यहाँ आपने इंडियन फिल्मों में देखा होगा चौल का निज़ाम होता है, इस इलाके में भी पूरे चौल सिस्टम है पूरा, सब मिलकर एक साथ रहते हैं। रात होती है तो सब बाहर होते हैं, लड़के नीचे भी होते हैं, दिन भर की थकावट मिटाते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, दोस्ती भाईचारा वो सारी चीज़ें। सुबह में भी यही होता है जब सारे मर्द काम पर चले जाते हैं, खवातीन मिल बैठती हैं, बातें होती हैं कि घर में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या हो रहा है, त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करना है। अच्छी चीज़ ये है कि सामने मंदिर है, मंदिर के सामने बिल्कुल चौल पूरी बनी हुई है, लोग यहाँ रहते हैं और हर घर के बाहर अलग तरह से सजावट है, भगवान की मूर्तियाँ भी होती हैं, सारे रंग भी नज़र आते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरे साथ आप चलें, तो ये पूरी चौल बनी हुई है और इस चौल में किस तरीके से लोग बाहर रहते हैं, आप मेरे साथ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल आपको इंडियन फिल्म वाला फील आ रहा होगा, जैसे इंडियन फिल्मों में होता है कि पूरी एक चौल बनी हुई है, चौल से गुजरना है, दो तरफ से रास्ते होते हैं चौल के, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है और डेड एंड हो जाता है। एक तरफ से चौल शुरू होती है, पूरा राउंड में घूमती है, दूसरी तरफ चली जाती है और इसी तरीके से एक नहीं है, इस पूरे इलाके में मुख्तलिफ चौल बनी हुई है जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकेंड फ्लोर है और फिर छत है, छत सबके लिए है। वैसे तो हर फ्लोर सबके लिए, हर घर सबके लिए, क्योंकि सब मिलके रहते हैं। यही खूबसूरती है रणछोड़ लाइन की। और उससे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि अचानक लाइट भी चली जाती है, तो ये सिर्फ रणछोड़ लाइन में नहीं, पाकिस्तान भर में कहीं भी लाइट जा सकती है। तो सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे रास्तों में खराबी का बाइस बनती है और वो ये लाइट है। एक्सप्लोर करना कितना चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग इसलिए भी है कि भाई मैं रणछोड़ लाइन का ये इलाका जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है और बड़े अच्छे तरीके से रहती है, उसे एक्सप्लोर कर रहा था। अभी आपने देखा लाइट चली गई, मेरे हौसले फिर भी पस्त नहीं हुए, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे नज़र आया कि भाई एक मंदिर 1905 का मंदिर है, जो 1905 से यानी कायम पाकिस्तान से पहले का यहाँ मंदिर है, श्री नवल मंदिर है भाई 1905 का, यानी देखें इसकी तारीखी अहमियत, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। इस चौल में यकीनन हर घर बदल गया होगा, गलियां बदल गई होंगी, लोग बदल गए, पीढ़ियां बदल गई, नहीं बदला तो क्या नहीं बदला, सिर्फ यह मंदिर में बदला क्योंकि जो अपनी असल हालत है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ
बाकायदगी से इबादत होती है, बाकायदगी से हर त्यौहार को मनाया जाता है और लोग आते हैं, इबादत करते हैं और यही खासियत है इसकी। भाई क्या चाहिए? एक प्लेट गोलगप्पे लगाइएगा। तो भाई शऊर भाई को खाने हैं गोलगप्पे, मुझे खानी है चाट। वैसे तो इस इलाके में और भी बहुत कुछ है खिलाने को, एक्सप्लोर करने को, लेकिन हम दोनों हैं डाइट पर क्योंकि टमी निकल रही है, बाहर तो कर रहे हैं एहतियात, तो जिनका काम उन्हीं के साथ है। अंकल एक गोलगप्पे की प्लेट लगा दें और एक चाट की प्लेट लगा दें। चाट में मसाला थोड़ा हल्का और गोलगप्पे में खट्टा थोड़ा ज़्यादा। अच्छा जी, मुझे दो छोटे से बच्चे मिल गए हैं जो बल्दिया से आए हैं खासतौर पर ये भेलपूरी खाने के लिए। कैसी है? मैं देखिए बड़ी अच्छी। बल्दिया में क्या अच्छा मिलता है? बल्दिया में तो सारी अच्छी अच्छी है। अच्छा, चाट यहीं अच्छी मिलती है? पहली दफ़ा खा रहे हो यहाँ की या पहले भी खाई है? वैसे ही खाते रहते हैं। वो जो लोग नारा लगाते हैं खाए पिया चल दिया बल्दिया बल्दिया, सुना तुमने? तो फिर एक दफ़ा सुना दो मुझे भी, खाया पिया चल दिया, खाया पिया चल दिया बल्दिया बल्दिया। भाई कहते हैं ना दो लोग एक ही काम कर रहे हो तो दोस्ती हो जाती है, और मेरी दोस्ती हो गई भाई गार्डन से आए हुए खूबसूरत से नौजवान से। खूबसूरत नौजवान का कतई तौर पर मतलब ये नहीं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन खैर भाई इन्होंने भी किया चाट ऑर्डर, मैंने भी किया चाट ऑर्डर, दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके पास है पापड़ी, मेरे पास है बगैर पापड़ी। शऊर भाई ने किए हैं गोलगप्पे ऑर्डर। गार्डन से यहाँ आए हो चाट खाने आए हो खाली यार, या वैसे ही आए हुए थे तो तुमने कहा कि यहाँ के फूड ट्राई कर लें? वैसे ही आया था, मैंने कहा ट्राई कर लेता, लेकिन बड़ी वैरायटी है। हम तो जाहिर सी बात है अभी डाइट पर हैं इसलिए चाट खा रहे हैं, तुम भी मुझे लग रहा है डाइट पर हो। भाई देखा ये नौजवानों में जो नई चीज़ आई है ना डाइट वाली, वो डाइट भी जाते हैं। वैसे तुम रिकमेंड करोगे लोगों को कि भाई इस फूड स्ट्रीट को भी ट्राई करना चाहिए? जैसे बहुत सारी भादराबाद हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट की हाइप क्रिएट हुई है, यहाँ आना चाहिए खाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए, तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। मेरी बातों की वजह से इन्होंने रोक के रखा हुआ खुद को, तो भाई मैं मजीद बात नहीं कर रहा, आप भी खाएँ मैं भी खा रहा हूँ। नहीं नहीं आप कुछ भी कहते ना, हम नहीं पूछ रहे कुछ भी भाई। हाँ अच्छा भाई चले, ये नहीं पूछ रहे लेकिन हम पूछ रहे थे अगर हम गार्डन आए तो फिर आप क्या खिलाएंगे वहाँ की, क्या ज़बरदस्त चीज़ है? आप पहले आए तो ये ना हो कि हम अभी साथ ही चल रहे हैं इनके, लेकिन नहीं नहीं आप बताएं आपके चलने मतलब आपके गार्डन में क्या खास होता है? गार्डन में तो पीछे की साइड में बहुत चीज़ें मिलती है, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के सामने ही रहता हूँ, पीछे बिग बाइट है वहाँ पर बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलती है। मतलब कोई स्पेशलिटी बताए जैसे ये चाट है और वहाँ की क्या है? वहाँ पे एक चीज़ तो मैं बता ही सकता हूँ, वहाँ पर सब कुछ ही अलग अलग आप तक कमेंट करके बताएं क्या चीज़ अच्छी मिलती है जो आपको पता है। हम जो है वो क्या नाम है इनका, मोहम्मद भाई के साथ हम आपको गार्डन घुमाएंगे किसी दिन लास्ट में। चले टाटा बाय बाय।